आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए, हर गल जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी